हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अड्डा 247 यूजी एंट्रेंस एग्जाम। आई एम योर मेंटर साक्षी दुबे, बैक विथ एनसीएचएम जेई एप्लीकेशन फॉर्म। कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है एनसीएचएम जेई का 2022। तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आपको पुट करनी है, उससे पहले आप जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया होगा, तो आप उसको जाके भर लो, ताकि आपकी फ्यूचर में अगर कोई क्वेरी है आपके किसी भी यूजी एंट्रेंस एग्जाम को लेके, आपकी वो क्वेरी उसमें अगर आप फिलअप करते हो अपनी इन्फॉर्मेशन, तो हमारी जो टीम है आपकी सारी क्वेरीज क्लियर कर देगी, आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी। तो बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप एक वो गूगल फॉर्म भर देना। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है एनसीएचएम जेई 2022 का। तो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो तो पहले ही देख लिया था। तो एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग प्रोसीजर क्या होगी, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब वापस से अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे साइट पे, एनटी की साइट पे जाके, तो आपको एप्लीकेशन फिलिंग डिटेल्स आ जाएंगे। आपका एप्लीकेशन नंबर तो जनरेट हो ही चुका है, तो आप वो भरोगे, अपना पासवर्ड डालोगे, तो आपको ये वाला पेज खुल जाएगा। तो एप्लीकेशन कैसे भरनी है आपको, फर्स्ट कैंडिडेट्स नेम आपने भर चुका है, वो डेट ऑफ बर्थ भी आपने फिलअप कर दी है, जेंडर, ठीक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, ये सब आप फिलअप कर चुके हो, स्टेट ऑफ रेसिडेंस, इन विच स्टेट यू आर रेसाइडिंग करेंटली, ठीक है, आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप फिलअप कर दो। ये कैटेगरी के ही हिसाब से आपको जो आपकी फीस रहेगी वो आप पे करोगे। उसके बाद अगर सब कैटेगरी है तो वो फिलअप कर दो। अगर आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी हो तो यहाँ पे यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो, ठीक है। फैमिली की एनुअल इनकम क्या है, यहाँ पे फैमिली की पूछी है एनुअल इनकम। तो अगर आपके मदर फादर दोनों अर्निंग है तो उन दोनों की जो इनकम है आपको वो चीज़ लिखनी होगी यहाँ पे। उसके बाद वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स और वार्ड ऑफ कश्मीरी पंडित्स अगर आप हो, अगर इनमें इन इस कैटेगरी में आप आते हो, अगर आप कश्मीरी पंडित के अगर चिल्ड्रन हो या फिर कश्मीरी हिंदू के अगर आप फैमिली से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आप यस कर दोगे, अदरवाइज पुट इट नो। नाउ प्लेस ऑफ क्लास 12th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्कूल, आपने क्लास 12th कहाँ से पास की है, जिस सिटी से आपने क्लास 12th पास की है, मान लो आप मुंबई से क्लास 12th पास करो, वहाँ के किसी स्कूल से आपने क्लास 12th दिया है, तो आप वो वाली सिटी यहाँ पे डालोगे, ठीक है। यहाँ पे करंट सिटी मत डालना, अगर आपने क्लास 12th किसी और सिटी, जैसे आप मान लो रह रहे हो जयपुर में, ठीक है, और पढ़ रहे हो कहाँ, दिल्ली में, तो आप वो सिटी डालोगे। आप यहाँ क्या क्या डालोगे, यहाँ पे दिल्ली डालोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन जो आपने 12th का दिया है वो सिटी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है वेदर इंग्लिश इज़ वन ऑफ द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इन क्लास 12th। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है NCHM JEE का, कि आपने जो 12th क्लास पास किया है उसमें एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना ही चाहिए। तो ये तो आपको यस होना ही पड़ेगा, इसके बिना आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने क्लास 12th में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ाओ। नाउ टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ क्लास 12th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो यहाँ अगर आपने प्राइवेट से दिया है तो आप वो फिलअप करोगे, या फिर आप रेगुलर हो वो आप चीज़ वहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप फिल कर दोगे तो ये जो सिक्योरिटी पिन है यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की है वो आप सेव करके नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। जब यहाँ क्लिक कर दोगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा आपका, दैट वुड बी दिस। इससे पहले आप यहाँ पे कंफर्म करोगे कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट करनी है कि नहीं, वो डबल कंफर्मेशन के लिए आता है, तो यहाँ पे आप यस क्लिक कर दोगे अगर आपने इन्फॉर्मेशन सही की है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि आपने इन्फॉर्मेशन गलत फिल कर दी है गलती से, तो नो करके उसको वापस से वहाँ पे जाके करेक्ट कर देना। नाउ आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो इस एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ वहाँ आएगी। NCHM JEE के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे वो चीज़ आप डाल देना। नाउ क्वेश्चन पेपर का आपका मीडियम कौन सा होना है, ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो मेक श्योर आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, जिस भी लैंग्वेज में आपने पढ़ा है या क्वेश्चन सॉल्व किए हैं,
तो आप उस मीडियम से आप अपना क्वेश्चन पेपर दे सकते हो। बट जो क्वेश्चन पेपर अगर जिस उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी आती है तो इंग्लिश वाले पार्ट को ही सही माना जाएगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, सेकेंड चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, यहाँ पे आपके चार चॉइसेस दिए हैं फॉर द सिटी ऑफ एग्जाम यू वॉन्ट टू गिव, ठीक है। आप जिस भी सिटी से आपका जो भी प्रेफरेंस है, चार सिटी यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। नाउ आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी मम्मी का जो भी ऑक्यूपेशन है, अगर आपकी मम्मी काम करती हैं, आपकी मम्मी का जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। नाउ ये सारी इंफॉर्मेशन आप जब फिल कर दोगे तो फिर से आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा, ठीक है। ये हर पार्ट के बाद ना एक सिक्योरिटी पिन यहाँ पे आएगा, तो आपको चेक कर लेना है कि आपने सही इन्फॉर्मेशन डाल दी है। उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी पिन डालना है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। जब यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो नेक्स्ट आएगा आपका। उसके बाद इसमें ये एक पॉपअप आ जाएगा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सबमिट द दिस सेक्शन। तो ये वाला सेक्शन अगर आप श्योर हो कि आपने अपना जो भी पुटअप किया है यहाँ पे ये सही है, तो यू विल क्लिक यस। नाउ नेक्स्ट जब आप वहां यस क्लिक कर दोगे तो आपके लिए नया पार्ट ओपन हो जाएगा जो कि आपकी क्वालिफिकेशन का पार्ट होगा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट है आपका 10th क्लास का, सेकेंड पार्ट है आपका 12th क्लास का। तो यहाँ पे आपका ये पास स्टेटस है कि आपने क्लास 10th या इक्विवेलेंट पास कर लिया है कि नहीं। अगर पास कर लिया है तो आप यहाँ पे पास डाल देना। यहाँ पे आएगा आपका ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में पास किया है। आपका जो पासिंग ईयर है वो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कौन सी ईयर में पास किया है, अगर आपको थोड़ा भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ पे अपने सर्टिफिकेट पे जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन डाल देना, यहाँ पे 10th है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड, किसी स्टेट बोर्ड से किया हो आपने, CBSE से किया हो, ICSE हो आपका बोर्ड, तो ये चीज़ यहाँ पे आएगी ये वाले कॉलम में, ठीक है, नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपका जो रिजल्ट मोड है वो परसेंटेज के बेसिस पे है या CGPA के बेसिस पे है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद नाउ यू विल बी हैव टू पुट योर टोटल मार्क्स हियर, कि टोटल मार्क्स कितने में से था, कितने टोटल मार्क्स थे आपके क्लास 12th में। उसके बाद आपको जो मार्क्स मिले हैं उस टोटल में से, जैसे 500 में से था आपको मिले 448, तो यहाँ पे आएगा आपका 500, यहाँ आपको कितने टोटल मिले हैं सब्जेक्ट्स में 448, तो ये यहाँ पे आप ये पुट कर दोगे तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो अपने आप आ जाएगा, वो वेबसाइट खुद कैलकुलेट कर लेगी। नाउ सेम फॉर 12th क्लास का एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको पास स्टेटस डालना है। चूंकि इस एग्जामिनेशन में जो अपीयर हो चुके हैं वो भी दे सकते हैं और जो 12th क्लास में अपीयर हो रहे हैं वो भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे या तो पास्ट का ऑप्शन डाल देना अगर आप पास कर चुके हो क्लास 12th, या फिर अपीयरिंग का डाल देना अगर आप इस साल 12th का एग्जाम दोगे। तो यहाँ पे ईयर ऑफ अपीयरिंग या ईयर ऑफ पासिंग चलेगा आएगा, नेम ऑफ एग्जामिनेशन आएगा, ठीक है, नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, जो भी स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, यहाँ पे आ जाएगा आपका। उसके बाद रिजल्ट मोड, किस मोड पे है आपका रिजल्ट, परसेंटेज बेसिस पे है, CGPA बेसिस पे है, टोटल मार्क्स जो भी जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा टोटल मार्क्स क्या रहेंगे और आपने कितने ऑप्टेन किए हैं, और यहाँ पे परसेंट वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। नाउ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने भर दी इस फॉर्म में, तो अब वापस से हमें क्या भरना है यहाँ पे, सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन कौन सा, जो यहाँ दिया हुआ है। पूरी इन्फॉर्मेशन अगर करेक्ट है तो आप ये सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ पे क्लिक करोगे सेव एंड नेक्स्ट पे। नाउ जब आप वहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हो तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन, आप अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोग्राफ, आपको अपनी फोटो यहाँ पे लगानी है। तो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होगा, JPG, ठीक है। डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट आपका JPG होगा, 10 to 200 KB का
आप फोटो लगा सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए और फॉर्मेट ये होना चाहिए आपकी फोटो का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट विल बी सिग्नेचर। सिग्नेचर का भी जो फॉर्मेट रहेगा वो जेपीजी रहेगा एंड इट वुड बी 4 to 30 KB। तो ये आपको यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर सबमिट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट में आप पीडीएफ डालोगे, ठीक है। ये भी इसकी भी जो प्रिस्क्राइब लिमिट रहेगी उसी के अंदर डालना है आपको। और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी, अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हुआ तो भी आपको ये 10 to 300 KB के बीच में डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा इन कौन सा फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट। तो जब ये भी आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे तो ये अपलोडेड डॉक्यूमेंट आ जाएगा आपका, जैसे जैसे अपलोड करते जाओगे और इस पर अगर क्लिक करते हो तो आप अपना डॉक्यूमेंट देख सकते हो। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छे से अपलोड कर दिए हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो यहाँ पे अपना ये फिर से सिक्योरिटी कोड आ गया, या फिर से आपने सिक्योरिटी कोड डाल दिया। उसके बाद फिर से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। डू यू वॉन्ट टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली, येस। अगर आपने सारी डॉक्यूमेंट्स में, इस पूरे डॉक्यूमेंट में अच्छे से आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है तो यहाँ पे येस क्लिक करना, अदरवाइज नो कर देना। अगर आपको लगता है कुछ भी आपने गलत भर दिया है तो उसको ठीक करना है, ठीक है। नाउ आपके लिए जैसे रजिस्ट्रेशन में आया था रिव्यू पेज, सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगी रिव्यू पेज। तो आप इसमें अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि आपकी पर्सनल डिटेल्स क्या हैं, ठीक है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ठीक है, ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा, आराम से देख सकते हो। उसके बाद अप्लाइंग फॉर जो भी आपने मीडियम चूज़ किया है, कोर्स चूज़ किया है, सिटीज चूज़ किए हैं, दैट वुड बी शोन हेयर। उसके बाद 10th 12th का आपने जो भी सबमिट किया है, पास कर चुके हो, अभी अपीयरिंग हो या पास हो चुका है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, ऑल दैट विल बी शोन हेयर। यहाँ पे आप चेक कर लेना कि एक बार जब वहाँ से आ जाओगे ना तो यहाँ पे एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि आपने सही सही भरा है कि नहीं भरा है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस विल बी शोन हेयर, ये भी चेक कर लेना, ठीक है। फिर पेरेंट्स इनकम डिटेल, जो भी आपने पेरेंट्स के बारे में भरा था वो रहेगा, आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, यहाँ पे आप चेक कर लेना कि आपने ये भर दिए, सब चीज़ें सही सही की हैं कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप टिक लगाओगे तो ये सब ग्रीन कलर से टिक हो जाएंगे, ठीक है। ये टिक हो जाएगा सारा। उसके बाद फिर आई एग्री पे आप ये पढ़ लेना, उसके बाद डिक्लेरेशन को आई एग्री पे जब क्लिक करोगे तब जाके आपका फॉर्म सबमिट होगा और उसके बाद ये पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्लिक येस, क्योंकि आपने अपने सारी जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, आपने एकदम सही तरीके से डाली है। अब जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर गया है तो यहाँ पे एक विंडो खुलेगी जिसमें कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, क्या बचा है आपका, फ़ी पेमेंट। फ़ी पेमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर फ़ी पेमेंट आप नहीं करते हो तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अब पे एग्जामिनेशन फ़ी पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर आपकी यहाँ पे शो हो रही है, ये चेक कर लेना या लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी कर लेना पर लिख लेना इसको, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी एप्लीकेशन नंबर लिखी हुई है तो आप देख सकते हो उसको। अब यहाँ पे जब आप वहाँ क्लिक कर दोगे पेमेंट के लिए तो आपको मोड ऑफ पेमेंट आ जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट, क्योंकि ऑफलाइन मोड है ही नहीं इसमें, तो यू विल हैव टू क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन पेमेंट। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। यहाँ पे बिल डेस्क है, या फिर अगर आप पेटीएम से करना चाहते हो पेटीएम, तो आप वो क्लिक कर देना, फिर प्रोसीड टू पेमेंट यहाँ वापस से क्लिक करोगे।
ना ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। इसको वापस से रिफ्रेश नहीं करना है और यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर, उसके एक्सपायरी डेट, ईयर, सीवीसी डाल देना है, कार्ड होल्डर का जिसका भी कार्ड है वो नंबर डालना है, मेक पेमेंट कर देना है। तो आप ये चेक कर लेना कि आपका कार्ड क्रेडिट कार्ड है कि डेबिट कार्ड है, अगर कार्ड से कर रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। कई बार डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले डेबिट कार्ड से कर देते हैं, तो प्रॉब्लम आती है। या अगर फिर इंटरनेट बैंकिंग बैंकिंग से कर रहे हो तो दैट वुड ऑल्सो डू। जब आप वहाँ पे सब डाल दोगे, आपका पेमेंट डन हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड और पेमेंट डिटेल्स कंप्लीटेड, ये आपका फॉर्म पूरा भर गया है, ठीक है। अब एक काम ये करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस फॉर्म में, कि डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, इस कन्फर्मेशन पेज को ज़रूर डाउनलोड कर लेना और अपने पास रख लेना। ये है आपका कन्फर्मेशन पेज। तो इस कन्फर्मेशन पेज में आपने जो भी डिटेल्स भरी हैं वो सारी डिटेल्स अपियर होंगी, ठीक है। तो इसको रख लेना, तो इसको संभाल के रखना है, इसको सेव करके रखना, अपने लैपटॉप कंप्यूटर फ़ोन जहाँ पे भी आप सेव कर रहे हो, ध्यान रखना कि आपने ये सेव करके रखा है, क्योंकि आगे जाके जब आपको एडमिशन प्रोसीजर होगा तो उसमें इस एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ हम बात करते हैं क्वेरी रिड्रेसल सिस्टम की। जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे पेमेंट में प्रॉब्लम हो गई, पेमेंट नहीं आ रहा, आपने डबल पेमेंट कर दिया, तो पहले तो वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है, अगर डबल कर दिया है तो। पर अगर नहीं हो रहा है या एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो NTA ने एक क्वेरी रिड्रेसल सिस्टम बनाया है, ठीक है। ये एक ऑनलाइन वेब इनेबल्ड सिस्टम है, ठीक है। इसमें आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो 24/7 आप पुट कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपकी जो क्वेरीज का होगा वो स्पीडी रिड्रेसल होगा, आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी NTA से रिलेटेड वो लोग सॉल्व कर देंगे, और आप जब उसमें अपनी क्वेरी डालोगे और सबमिट कर दोगे तो आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो उससे आप क्या कर सकते हो, अपना जो भी स्टेटस है क्वेरी का वो चेक कर सकते हो कि वो सॉल्व हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, ठीक है। नाउ कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूज दिस ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर स्पीडी रिस्पॉन्स एंड मे मेल देयर क्वेरीज टू द ऑफिशियल ईमेल ID ऑफ NCHMJEE। ये अगर आपको ऐसी कोई क्वेरी है कि आपकी क्वेरी रिड्रेसल सिस्टम से भी आपकी सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप इस मेल ID पे, दैट इज NCHM@NTA.ac.in पे आप मेल कर सकते हो, तो आपकी जो भी क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या प्रॉब्लम है आपको आपके एप्लीकेशन NCHMJEE 2022 को लेके, तो वी विल ट्राई टू रिड्रेस योर प्रॉब्लम। और गूगल फॉर्म ज़रूर भर देना। तब तक के लिए हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, जिससे कि अगर आपको कोई भी UG एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरीज रहेंगी उसको पहले ही हम सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।